आपने सुना ही है सात लेटर्स का ये वर्ड मिस्टेक, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी की है मिस्टेक्स, चाहे वो अपनी मम्मी का फेवरेट येलो सूट जला देना हो या फिर उसी इंसान को मैसेज भेजते रहना जो आपको कभी रिप्लाई नहीं करता। मिस्टेक्स हैपन, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन हम नॉर्मल लोग ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का वेस्ट तोड़ सकते हैं, उतनी औकात है हमारी। पर तब क्या होता है जब एक इंसान की सिंगल टाइपिंग मिस्टेक के वजह से किसी कंट्री को गंवाने पड़ जाए 80 मिलियन डॉलर्स। ये थी वो टाइपिंग मिस्टेक जिसको अब कहते हैं हिस्ट्रीज मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक। तो कंट्री है अमेरिका, जगह कैनेडी स्पेस सेंटर, जहाँ पर सारे साइंटिस्ट बहुत ही अफरा तफरी में दिख रहे हैं क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। आज लॉन्च होने जा रहा है नासा का मोस्ट एम्बिशियस इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट मरीना 1, जिसे पहुँचना है वीनस। The spacecraft will skim past Venus at an altitude of about 3,000 miles. हर चीज डबल चेक की जा रही है और सब कुछ डबल चेक करने के बाद ठीक 5:21 को लॉन्च हो जाता है मरीना 1। लॉन्च सक्सेसफुल रहता है और रॉकेट आ जाता है हवा में, पर रॉकेट के हवा में 3:32 बिताने के बाद ही सारे साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि उनको सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिलने वाला और 5 मिनट बाद फूट जाता है मरीना 1 हवा में। पर रॉकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कैलकुलेशंस गलत थी, प्रॉब्लम थी एक्चुअली यहाँ, ये आर दिख रहा है आपको। हाँ, तो एक्चुअली जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो उसकी जो पाथ की ट्रैजेक्टरी होती है, यानी कि उसका जो रास्ता होता है, वो डिसाइड करता है एक कोड जिसको इनपुट करना रहता है कंप्यूटर में। लेकिन मरीना 1 का ये जो कोड था उसमें ये जो आर है यानी कि रेडियल वेलोसिटी, उसके ऊपर साइंटिस्ट गलती से या फिर भूल गए बार लगाना, एक हाइफन लगाना है इस आर के ऊपर जो नहीं लगाया गया। अब बिना मैथ के डिटेल में गए हुए, हाइफन का मतलब यानी कि इस बार का मतलब होता है मीन यानी कि एवरेज, मतलब कि जो कंप्यूटर रॉकेट का पाथ डिसाइड करता है उससे कहा जा रहा है कि अगर रॉकेट के ट्रैजेक्टरी में थोड़ी सी डेविएशन हो जाए, बहुत ही स्मॉल, तो यू शुड इग्नोर इट। एग्जैक्ट पाथ नहीं देखना, मीन देखना है एवरेज। क्योंकि इन लोगों ने ये बार नहीं लगाया आर के ऊपर, तो कंप्यूटर एग्जैक्ट पाथ देखने लगा मीन की जगह, और थोड़ा सा भी जब ये रॉकेट डेविएट हो रहा था तो उसे ओवर करेक्ट करने लगा, बार बार उसके पाथ चेंज करने लगा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बस सीरियसली लेने लगा स्मॉल माइनर डेविएशंस को भी। एज अ रिजल्ट रॉकेट एकदम पागलों जैसे स्पिन करने लग गया हवा में। अब क्योंकि एकदम स्पिन करने लग गया तो उसी टाइम पर साइंटिस्ट को दबाना पड़ गया ये बटन। अब ये बटन दबाने से पता क्या होता है, रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। उन लोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो रॉकेट जहाँ पे लोग रह रहे थे इनहैबिटेड एरिया में, वहां पे भी गिर सकता था और बहुत नुकसान हो सकता था, इसलिए उनको खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ गया वो रॉकेट। क्यों? क्योंकि एक इंसान ये हाइफन लगाना भूल गया आर के ऊपर, छोटा सा टाइपो जिससे 80 मिलियन डॉलर का रॉकेट फोड़ना पड़ा। ये थी दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक। तो अगर आपको भी मेरी तरह अपनी फैमिली से कंटिन्यूस गालियां पड़ती हैं गलतियां करने के लिए, तो उनको याद दिलाइए यार कि फैमिली लिसन, कम से कम मैं नासा की साइंटिस्ट तो नहीं हूँ जिसने 80 मिलियन डॉलर की मिस्टेक कर दी थी, प्लीज इग्नोर माय मिस्टेक्स। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की वीडियो हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक के ऊपर। ये वीडियो मैंने थोड़ी छोटी इसलिए बनाई क्योंकि टाइम नहीं मिला, फ्राइडे को वीडियो डाली थी फिर भी वेडनेसडे को डालना ही था तो मुझे छोटा छोटा बनाना पड़ा। नेक्स्ट वेडनेस को लेकिन मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगी। ओके, और अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।